वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के अपने पिटारे से देश के हर सेक्टर को साधने की कोशिश की और बहुत हद तक वो उसमें कामयाब भी रही। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ये बजट आपदा में अवसर की तरह है। साथ ही ये भी कहा कि बहुत ही मुश्किल हालात में सरकार ये बजट लेकर आई है। किसानों के लिए जहां सरकार ने अपना खजाना खोला, वहीं हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई ऐलान किए। बजट में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका असर आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा। इसकी कटौती पेट्रोल डीजल से होने वाली सरकार की कमाई से ही होगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नया कृषि विकास सेस आज से ही लागू हो जाएगा। इसका मतलब आज से ही शराब पीना भी महंगा हो गया, क्योंकि इस बार बजट में अल्कोहलिक बेवरेजेस पर 100% कृषि सेस लगाया गया है। लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्कों में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की। इनमें मोबाइल उपकरण भी शामिल हैं। बजट में कच्चे तेल पर 17.5 यानी कि 17.5% कृषि सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर 20% का सेस लगाया है। लेकिन ग्राहकों पर इसकी कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े, यानी कि आपकी जेब पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए इन बेसिक सीमा शुल्क यानी कि BCD में कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। अभी सोने पर 12.5 यानी कि 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने और चांदी पर केवल 7.5% आयात शुल्क देना होगा। सरकार ने चमड़े पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% कर दिया है, लेकिन इससे पहले ये 0 था। वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का कृषि सेस लगाया गया है। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। ऐसे में सूती कपड़े महंगे होंगे। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है। इसके साथ ही और जानकारी के लिए आप जी हिंदुस्तान के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि जी हिंदुस्तान आपके लिए आसान और सरल भाषा में बजट लेकर आया है। सफर पर है और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।